युवा भाजपा नेता एवं युवा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साहिल सुधा ने कहा कि विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा सरकार के प्रमुख योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लाभार्थियों तक पहुंच सके। वंचित लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार द्वारा सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। साहिल सुधा गांव इशाकपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। गांव इशाकपुर में पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने सभी को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया और साथ ही जो लोग इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं उन्हें इस यात्रा एवं जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक भी किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया और लोगों को विकसित भारत राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि सरकार विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम गांव व अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। अंतिम व वंचितों को वरीयता केंद्र व राज्य सरकार का मूल मंत्र है। सरकार ने समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता दी जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र का विकास है। सरकारी योजनाओं का सबसे पहला हक गरीबों का है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए जितनी अधिक योजनाएं बनेंगी समाज उतना ही सुखी होगा। सरकार गरीबों और वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय जैसी योजनाएं लागू कर हरियाणा प्रदेश के उन गरीब लोगों का कल्याण एवं उत्थान किया है जो समाज की स्ट्रीम लाइन से टूटे वे कटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मौके पर ही योजनाओं का लाभ देकर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। विकसित भारत जन संवाद यात्रा इशाकपुर गांव पहुंची है, सर क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हमारी यात्रा जो है वो गांव इशाकपुर के अंदर पहुंची है और बहुत खुशी की बात है कि हमने लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र जितना है, हमारे जितने गांव हैं, सभी जगह हम जा चुके हैं और जितना भी 1,80,000 से नीचे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि सबका साथ सबका विकास, किसी जाति विशेष को लेकर ना काम किया जाए, आय के आधार पर हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,80,000 से नीचे जो भी व्यक्ति हरियाणा का उसको हर प्रकार की जो सरकार का लाभ है, सरकार की योजना का वो मिल सके और ख़ासकर थानेसर विधानसभा के अंदर सभी जगह ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग इसके अंदर आ जाएँ। लगभग 80-90% हम सब जगह पहुँच चुके हैं। जो 10-20% कहीं पर किसी कागजों में कमी के कारण या फैमिली आईडी में कोई परेशानी के कारण जो लोग रह रहे हैं उन लोगों तक भी इसका लाभ पहुंच सके, इसलिए हम गांव-गांव जाकर ये जो यात्रा है विकसित यात्रा हमने चलाई है। उज्ज्वला का, आपका आयुष्मान का, चरायु का, किसी प्रकार की भी जो सरकार का लाभ ले सकते हैं लोग और 1,80,000 से नीचे उनको मिले, इस प्रकार की हमने इस यात्रा को थानेसर के अंदर पूरा जो है वो हमने ग्रामीण क्षेत्र हमारा कवर कर लिया और शहर के अंदर हम जल्दी इसको शुरू करने जा रहे हैं। लगभग शहर के अंदर भी हम 6 वार्ड कर चुके हैं। आज आने वाले और 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हम प्रयास करेंगे कि थानेसर विधानसभा पूरी तरीके से एक बार हम सभी जगह कर लें और हमारे 1,80,000 से नीचे के जितने भी लोग हैं यहाँ पर गांव शाहपुर के अंदर, आज 7 BPL जो है वो बने हैं, 2 उज्ज्वला के कनेक्शन जो है यहाँ दिए गए हैं लोगों के बीच में, तो सभी हमारे कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं। सभी लोग हमारे पार्टी के, जो हमारे BJP के जो हमारा संस्थापक थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका सपना था कि अंत्योदय तक हम हर अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचे, सरकार के पैसे का लाभ पहुँचा सकें। उसी सपने को आगे पूरा करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी और विधायक सुधा जी ने, सभी ने आज ये प्रयास किया है कि कुक्षेत्र के अंदर, थानेसर के अंदर जो है सभी लोगों तक सरकार के पैसे का लाभ पहुँचे, डायरेक्ट खाते के अंदर हर पैसा पहुँचे, यही सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे गांव की पंचायत, हमारे सरपंच साहब, सबने मेहनत करके लोगों को यहाँ फिर इकट्ठा किया और हम अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें, इसी प्रयास के साथ हम लोग इस कार्यक्रम में यहाँ पर शाहपुर के अंदर पहुँचे। मुझे गैस सिलेंडर मिला है मुख्यमंत्री के नाम से, इसीलिए मैं धन्यवाद कर मेरा नाम रचना है, मैं गांव इशाकपुर की रहने वाली हूँ। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा मिला है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक जी का धन्यवाद करती हूँ।